ये देखिए ग्रीन फाइकस है, इसको आप चाहे तो बोनसाई में भी बना सकते हैं, बोनसाई के पार्ट हम आपको देंगे। और इन पत्तियों की विशेषता ये है कि देखिए जितना आप इसको साफ़ करेंगे उतना ही ग्रीननेस आता चला जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर ये इस पार्ट को आपको धुलना है तो थोड़ा सा कोई भी शैम्पू का दो चार बूंदें ले सकते हैं और अपने स्प्रे मशीन से इस पर छिड़क दीजिए या इसको धो दीजिए कायदे से, तो ये सारी पत्तियाँ चमक जाएंगी। एक तो बात ये हो गई, दूसरा मैं आपको एक पौधा और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए क्रॉफ्टेड रबर प्लांट मेरे पास में है, ये क्रॉफ्टेड रबर प्लांट है, थोड़ा सा गंदा है लेकिन अभी ये साफ़ हो जाएगा। इन सब पौधों को आप लीजिए, अपने आंगन में लगाइए, अपने घर में लगाइए, सारे इंडोर्स प्लांट में आते हैं, इनकी देखभाल कीजिए तो आपके आंगन की घर की बरामदे की सारी चीज़ें आकर्षित हो जाएंगी। यहाँ चूँकि गोंडा में पौधों की डिमांड बहुत कम है, बहुत कम लोग हमें शौकीन दिखाई पड़ते हैं इसलिए आते नहीं हैं, नहीं तो आपको सारे पौधे यहाँ पर आसानी से उपलब्ध रहेंगे, अच्छे दाम में उपलब्ध रहेंगे और बहुत ही कम दाम में उपलब्ध रहेंगे। एक पौधे के बारे में मैं आपको और जानकारी दे दूँ साथ ही साथ, ये मेरे पास है पौधा, इसको हम बैम्बो स्टिक के नाम से जानते हैं। यहाँ गोंडा में कुछ बाहर वाले आए थे बेचने के लिए, वो बेचकर चले गए, पौधे सारे ख़राब हो गए। मेरे पास ये एक साल पुराना पौधा है, बहुत सारे पौधे बिक गए, अभी ये रखा हुआ है। इसकी विशेषता ये है कि पानी में होता है, ये बोतल में है पानी, देखिए नीचे जड़ें इसकी खूब फैली हुई हैं आप देख सकते हैं, और हफ्ते में इसका पानी ज़रूर आप बदल दिया करें, नहीं तो ये पीला पड़ जाएगा, आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार से मेरे पास देखिए इंडोर में मैंने मछली पाम को रख रखा हुआ है, बहुत सुंदर सा पैसा ये हमारा पौधा है। इसके अलावा मैंने ये एक पौधे को जिसको हम वाइट डरसेना के नाम से जानते हैं, इसको भी आप अपने यहाँ इंडोर प्लांट में लगा सकते हैं। आइए हम आपको आप कुछ अपने यहाँ जो उपलब्ध हैं सामग्रियाँ उनके बारे में जानकारी देते हैं। आमतौर से जब हम पौधा कोई लगाते हैं तो गुड़ाई के लिए ज़रूरत होती है, गमले में लगाने के लिए ज़रूरत होती है, और तो वो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम अपनी दैनिक भाषा में खुरपी के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आप वैसे इस यंत्र को देखें तो ये देखिए बहुत ही ठोस शुद्ध लोहे का बना हुआ है, आप इसमें धार नहीं है, धार तो लोहार करेगा, आप वहाँ से करवा सकते हैं। और ये हमारे पास कई उसमें उपलब्ध हैं, देख सकते हैं आप कई वैरायटियों में उपलब्ध हैं। ये थोड़ा चौड़ा है और दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा पतली वैरायटी में भी आपको उपलब्ध मिल जाएगा। ये इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ चूँकि गंदा हो गया है, आपको पतले में भी मिल जाएगा। इसके अलावा पौधों को खाद के अलावा कुछ टॉनिक की आवश्यकता होती है, उनके स्प्रे करने की आवश्यकता होती है, तो हम आपको दो तीन टॉनिकों के बारे में बताते हैं। एक मेरे पास ये टॉनिक है, ये पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसका नाम है स्लिम्पॉम 10L। ये स्लिम्पॉम 10L को आप यूज़ कर सकते हैं, एक लीटर पानी में 5 ml दवा मिला करके स्प्रे करें पौधों में, तो पौधों में ग्रोथ आएगा और पौधों में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी और पौधा आपका आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि पत्तियां ही पौधों की मेन जान होती हैं, तो पत्तियों पर अगर ये जाएगा तो आराम से खाना भी बना पाएंगी पत्तियां और शोषित भी कर पाएंगी अपने ग्रोथ को। इसके अलावा ये हमारे यहाँ कोई कीड़े मकोड़े अगर लगते हैं तो कमांडो के नाम से दवा मेरे पास उपलब्ध है, आप आसानी से ले सकते हैं। इसका भी रेशियो वही है कि 5 ml दवा 1 लीटर पानी में डालकर आप हर 15 दिन पर स्प्रे करें। इसके अलावा रूट को पैदा करने के लिए, रूट जनन करने के लिए ये मेरे पास रूडेक्स, जो पौधा आमतौर से आप लखनऊ में जाके सारी चीज़ें खरीदते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, ये सिक्योरडेक्स के नाम से रूटेक्स दवाइयाँ हैं जो लोग पौधों की कटिंग लगाते हैं और उसको पॉलीथीन में या गमले में लगाते हैं, तो रूट जनरेट करने के लिए ये एक हमारे पास अच्छा सा ये पाउडर आपको उपलब्ध रहेगा और ये आपको आसानी से मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अलग अलग अगर आपके पौधों में फंगस का प्रयोग हो रहा है तो ये
सेब नाम से एक दवा आती है, इस दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं। यह ड्राई पाउडर है, इसको भी आप 1 से 2 मिलीग्राम दवा ले करके उस पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अब बारी आती है पौधों में हम क्या चीज़ डालें जिससे पौधे ग्रो करें। देखिए मेरी सलाह तो ये है कि अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो उसको चाल लीजिए, अच्छे से चाल लीजिए और वही मिलाइए। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे मोहल्ले में ऐसे कॉलोनी में रखते हैं जहाँ गोबर की खाद उपलब्ध नहीं होती है या सड़ी हुई खाद नहीं है, पुरानी खाद नहीं है, और अगर आप उसको पौधे में डाल देते हैं तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो उसकी सुविधा के लिए मैंने अपने यहाँ यह बर्मी कंपोस्ट का पैकेट बनवाया है। ये बर्मी कंपोस्ट शुद्ध बर्मी कंपोस्ट है, ये प्योर बर्मी कंपोस्ट है, 1 किलो के पैक में आई है और इसका बहुत ही कम दाम है, 30 रुपये में 1 किलो आपको मिलेगा और ये लगभग 20 से 25 गमलों के लिए पर्याप्त होगा। इसका भी प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से गुलाब में डालने के लिए मेरे पास एक दवा अभी आई हुई है, इसका भी प्रयोग आप करें। इसको गुलाब जैविक के नाम से जानते हैं, गुलाब जीवन के नाम से जानते हैं, शुद्ध ऑर्गेनिक है, 1/2 किलो के पैक में है और ये दवा भी आपको सस्ते दामों में उपलब्ध रहेगी। ये गुलाब के लिए बहुत ही अत्यंत, कुछ लोग गुलाब के लिए विशेष रूप से पौधा सारी खाद मांगते हैं तो उसको भी आप मेरे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये बर्मी कंपोस्ट हो गई आपके लिए और गुलाब के लिए हो गया। इसके अलावा बहुत सारी जैविक खाद मेरे यहाँ आराम से उपलब्ध हैं। स्प्रे मशीन भी, जो मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा था, स्प्रे मशीन भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसमें आप ऐसे डालते हैं, दवा छिड़कते हैं, सब तरफ जाएगी, देखिए आवाज़ आ रही होगी, हवा हो जाती है। इसके अलावा खूबसूरती बनाने के लिए मेरे पास 8 इंच का गमला भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, आप लगा सकते हैं इसको, खूबसूरत गमला है। आप छोटे छोटे पौधे अपने बालकनी में अपने इंडोर प्लांट के लिए लगा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से घर सज जाता है और अच्छा लगता है। इसके अलावा मेरे यहाँ स्टैंड वाले भी गमले रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हो, स्टैंड वाले गमले हैं, डबल पॉट में हैं, उधर मैंने लगाए हुए हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक खूबसूरत गमला जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ विशेष रूप से, ये गमला देखिए, नंबर 1 का गमला है, ये 12 इंच में है गमला ये, और ये इम्पोर्टेड गमला है, ये इम्पोर्टेड गमला है, ये धूप में नहीं रखा जाता, विशेष रूप से इंडोर प्लांट के लिए बनाया गया है और ये कई रंगों में मेरे यहाँ उपलब्ध है। इसको भी आप ले सकते हैं, थोड़ा इसका प्राइस ज़्यादा है लेकिन ये बहुत ही सुंदर गमला है, इसको भी आप अपने घरों में लगा सकते हैं। इन गमलों को लगाने के लिए हमारे पास स्टैंड भी अवेलेबल हैं, स्टैंड भी आपको मिलेंगे, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ बाद में, दूसरे वीडियो में आपको मैं दिखाऊँगा। इसके अलावा कुछ गमलों के बारे में मैं आपको और जानकारी दे दूँ। अभी देखिए एक चीज़ जो बहुत आवश्यक है हमारे हमारे पौधों के लिए, जब हम पौधे लगाते हैं तमाम टहनियाँ सूख जाती हैं, विशेष रूप से गुलाब की टहनियाँ सूख जाती हैं, फाइकस की टहनियाँ सूखती हैं, हमारे यहाँ एरिका पाम की टहनियाँ सूखती हैं, तो उसको काटते हैं हम चाकू से या कैंची से, ऐसा ना करें। मेरी सलाह है उसके लिए आप एक कटर का प्रयोग करें, जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसी का प्रयोग करें। ये कटर आपको उपलब्ध रहे मेरे यहाँ उपलब्ध है और ये फ्लेकान का कटर है, सब लोग इसको परचेज करने के लिए लखनऊ में जाते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पर रिजनेबल प्राइस में उपलब्ध करा रहा हूँ। बहुत शार्प है, बहुत तीखा है, इस कटर का भी प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं, मेरे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप ये चीज़ जान लीजिए कि बागवानी के लिए आपको जिन यंत्रों का प्रयोग करना है उन्हीं यंत्रों को आप प्रयोग कीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपके पौधे खराब हो जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे, उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, तब आप शिकायत करेंगे। देखिए मेरे पास बहुत से लोग लखनऊ में लेने के लिए जाते हैं, जब हम कोई चीज़ लसाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं तो ये मास स्टिक खरीदने के लिए लखनऊ में जाते हैं। मेरे पास ये मास स्टिक आसानी से उपलब्ध है और बहुत अच्छे दाम में उपलब्ध है, उसी दाम में जो लखनऊ में आपको मिलती है। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जो मेरे पास फ़िलहाल यहाँ उपलब्ध है। एक गमले की ये देखिए, ये मेरे पास देखिए इंडोर गमलों की कितनी प्रजातियाँ हैं और कितनी वैरायटियाँ हैं, आप देखिए ये इंडोर गमले हैं और ये सब गारंटेड गमले हैं, ये सब गारंटेड गमले हैं, इम्पोर्टेड गमले हैं, इनको आप लगाइए, अपने आंगन में टांगिए, खूबसूरत पौधे आएंगे कि हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, आप कई कलर्स में हैं, कई वैरायटी में हैं, इनको आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अभी और दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा गमलों के बारे में। ये गमला जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गमला देखिए आप,
खूबसूरत चौकोर गमला, नए मॉडल का 12 इंच में, बहुत ही अच्छा गमला है, कलरफुल गमला है, आप देख सकते हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं। इस तरह की कई कलर में मेरे पास उधर भी गमले उपलब्ध हैं। अब आपको और मैं दिखा दूं थोड़ा सा और प्लांट के बारे में, सॉरी और गमलों के बारे में। फिर देखिए हमारे पास ये बोनसाई के गमले उपलब्ध हैं। अब ये तो हैंगिंग के लिए लगाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें हैं। बोनसाई के हमारे पास ये छोटे छोटे पॉट उपलब्ध हैं, आप ले सकते हैं, लगा सकते हैं, बोनसाई बनाने का जिनको शौक़ है। हमारे यहाँ बोनसाई के पौधे भी उपलब्ध हैं, कई कलर में ये हैं। इसके अलावा अगर किसी को लोटस उगाने का बहुत शौक़ है, लोटस लगाते हैं, उसके लिए टब लेके आते हैं, टब ना लाइए, ये गमला खा लीजिए लोटस लगाने के लिए, और ये बहुत सुंदर है। इसमें आप कम से कम 10 से 12 लीटर पानी आ सकता है, आप आराम से लोटस का पौधा इसमें लगा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ वैरायटियाँ थी। इसके अलावा मेरे पास आपको हजारा भी पानी डालने के लिए उपलब्ध रहेगा। ये देखिए हमारे यहाँ ये हजारा अच्छे दाम में स्काई वर्ल्ड का है, सस्ते दाम में मिलेगा, उसी दाम में जो लखनऊ में मिलता है। और इसके अलावा तो मैं आपको थोड़ी चीज़ें दिखा पाया हूँ, इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्रयोग कर सकते हो। हमारी नर्सरी पे आइए, हमारी नर्सरी का पता है पंत नगर फोरबिसगंज गोंडा सिवाला के सामने। मेरा नंबर 9919978542 है। आने से पहले आप कांटेक्ट कर लें या आएँ। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए जिसको हम चिंग बेल के नाम से जानते हैं, ये भी अगर आप अपने बरामदे में टांगते हैं, चैंग बेल बोलते हैं ना, विंग चैंग बेल उसको बोलते हैं, इसको भी अगर आप अपने बरामदे में टांगते हैं, कहीं टांगते हैं, तो बहुत खूबसूरत है। देखिए मैंने अपने इसमें टांग रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने इनको टांग रखा है अपने यहाँ, तो मेरे नर्सरी की खूबसूरती भी बढ़ती है और मुझे अच्छा भी लगता है काफ़ी। इसके अलावा इस तरह के गमले भी आपको मिल जाएंगे जो मैंने आगे टांग रखे हुए हैं, जिसको हम जूट गमले के नाम से जानते हैं, ये भी आप टांग सकते हैं अपने यहाँ। टांगिए तभी तो अच्छा लगेगा, आप आइए अपनी उत्सुकता को बढ़ाइए और आपका नर्सरी खूब अच्छे ढंग से चलती रहे। अच्छा, इन्हीं उम्मीदों के साथ अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका प्रचार हो सके, प्रसार हो सके और मेरी नर्सरी के बारे में जान सकें। मेरी नर्सरी, जैसा मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पंत नगर गोंडा उत्तर प्रदेश में है। धन्यवाद।